प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आईपीएल 2018 के 26वें मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 55 रन से हरा दिया। मैच में दिल्ली की ओर से टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 40 बॉल पर 93 रन की इनिंग खेली। अपनी इनिंग में उन्होंने 3 चौके और 10 सिक्स भी लगाए। इन सिक्स में से एक शॉट ऐसा भी रहा जिसने डगआउट एरिया में बैठे गौतम गंभीर को पहले तो ताली बजाने और फिर उठने पर मजबूर कर दिया। ऐसे हुआ था पूरा मोमेंट। मैच में ये बेहतरीन शॉट दिल्ली की इनिंग के दौरान 14.6 ओवर में दिखा, जब रसेल की बॉल पर श्रेयस ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार शॉट मारा। अय्यर के शॉट पर बॉल सीधे डगआउट एरिया में बैठे दिल्ली के प्लेयर्स की ओर गई। उस वक्त वहां पर गंभीर समेत दिल्ली के सभी प्लेयर्स बैठे हुए थे। श्रेयस का शॉट देखकर टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ताली बजाते हुए उन्हें चीयर कर रहे थे। इसी दौरान बॉल को डगआउट एरिया में अपनी तरफ आते देखकर वे जहां बैठे थे वहां से उठ गए। हालांकि बॉल के किसी को लगने से पहले ही डगआउट में खड़े टीम के प्लेयर राहुल तेवतिया ने एक हाथ से कैच लेते हुए बॉल